हेलो फ्रेंड्स, एमएम फूड एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है जैन सेजवान सॉस। ये मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, पर आप इसे घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए जैन सेजवान सॉस बनाना शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए 50 ग्राम काश्मीरी मिर्ची, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून शक्कर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून सूट पाउडर, 5 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून चिली सॉस चाहिए। ये घर पे बनाया हुआ सॉस है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अब हमें सबसे पहले ये मिर्ची की डंडी निकाल लेनी है। तो इस तरह से हम डंडी को काट लेंगे। तो सारी डंडी मैंने निकाल दी है, अब हमें इसे बॉईल करना है। तो आप कोई भी एक बर्तन में 2 कप जितना पानी डालें और इसे हाई फ्लेम पे गर्म होने रख दें। अब हम इसमें इस मिर्ची को डाल देंगे। इसे हमें 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही गर्म होने देना है। इसे 5 मिनट हो चुकी है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक लिड से ढक देंगे। इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हो कि मिर्ची कितनी फूल गई है। अब हमें इसे पीस लेना है, तो ऐसे आप मिक्सर ग्राइंडर ले और इसमें सारी मिर्ची को डाल दे। बचे हुए पानी को अभी हमें नहीं फेंकना है, ये काम में आ सकता है। अब हमें इसमें सूट पाउडर डालना है। हम इसमें अदरक के टुकड़े भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे, पर ये जैन है इसके लिए मैंने इसमें सूट पाउडर डाला है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हो कि थिक पेस्ट जैसा हो गया है। हम इसे सॉस बनाना है, इसके लिए हम इसमें जो बचा हुआ पानी था उसमें से हम इसमें 3 चम्मच डाल देंगे और इसे फिर से हम पीस लेंगे। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये पीस चुका है और हमारा चिली पेस्ट तैयार है। तो अब हम एक कढ़ाई या फिर पैन लेंगे, जिसमें हम 1 टीस्पून जितना तेल डालेंगे। हमें यहाँ पे बारीक कटे हुए शिमला मिर्च चाहिए। मैंने इसमें 3 कलर के शिमला मिर्च लिए हैं, आप चाहो तो सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च भी ले सकते हो। अब हम इसे तेल में डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। इसे 2 मिनट हो चुकी है, तो अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे। अब हमें इसी कढ़ाई में जो बाकी का बचा हुआ तेल था उसे डाल देना है। तेल गर्म हो चुका है, तो आप गैस को लो फ्लेम पे करें और जो चिली पेस्ट हमने बनाई थी इसे इसमें डाल दें। अब इस चिली पेस्ट को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। तो आप देख सकते हो कि तेल और चिली पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और शक्कर डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए पकने देना है। इसे 5 मिनट हो चुकी है, अब जो हमने घर पे इंस्टेंट चिली सॉस बनाया था हम उसे डाल देंगे। आप बाहर का चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसमें विनेगर डाल देंगे, आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, पर हम विनेगर इसीलिए डालते हैं ताकि हम इस शेजवान सॉस को स्टोर कर सके
अगर आप विनेगर डालोगे तो आप इसे करीबन एक महीने तक स्टोर कर सकते हो, और अगर आप नींबू का रस डालोगे तो आप इसे सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही स्टोर कर सकते हो। अब इसे हमें और 5 मिनट के लिए गर्म होने देना है। 5 मिनट हो चुकी है, अब हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। ये सोया सॉस सिर्फ हम कलर लाने के लिए ही डालते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो हमारा सॉस ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इसमें जो शिमला मिर्च थे हम उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा जैन सेजवान सॉस तैयार है। अब देख सकते हो कि कितना बढ़िया बना है। इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम सॉस जैसी है और इसका टेस्ट भी एकदम बाहर के सेजवान सॉस जैसा है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे बहुत सारी रेसिपी में डाल सकते हो, जैसे कि नूडल्स है, पास्ता है, पिज्ज़ा है। अब मैं इसे आपको एक डिश में डाल के दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। आप देख सकते हो कि कितने धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर आपका सॉस अनकुक्ड है तो ये बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो आप इसे 2-3 मिनट वापस गैस पे रख दे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो बनाने के बाद इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें।